हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। मीना तुम कहाँ से बोल रही हो? ये जानने की जरूरत नहीं है। मीना सुनो तो, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आया था। मैं अपनी शेव करने वाली ब्लेड से गला काट कर अपनी जान दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए जान दोगे? क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। जो मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते वो मेरे लिए जान क्या देंगे? जान देना इतना आसान नहीं है अमर। तुम्हारी इन फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अमर जो जान देते हैं वो कहते नहीं। बड़े आए जान देने वाले, दिखाओ तो जान देकर। तुम देखना चाहती हो ना मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ या नहीं। अब मैं सचमुच मर के दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मीना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। तुम कहा करती थी ना मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं मर सकता। अब मैं तुम्हारे लिए मर के दिखाऊंगा। हट गई, सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर इस 10 माले से मैं नीचे कूद जाऊं तो बचना तो फैंटास्टिक। मिस्टर गुप्ता, आप बच तो गए लेकिन आपकी सारी हड्डियां चूर चूर हो गई और आप जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। नहीं नहीं, मैं अपंग होकर जीना नहीं चाहता। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सचमुच मर गया होता तो मीना को ये विश्वास हो जाता राम नाम सत्य है कि मैं उसके लिए सीरियसली मर सकता हूँ। मीना रोती, बिजली कड़कती, बारिश होती, बिजली, इलेक्ट्रिक शॉक, ये बिजली की मौत कैसी रहेगी? एक मिनट में मामला फिनिश। डैम गुड आइडिया। लोहा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। कंडक्टर, आज तो मेरे काम आ गया। काश कोई आदमी यहां होता, मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठ जाता और उसे स्विच ऑन करने को कह देता। इस वक्त कौन हो सकता है? शायद मीना तो वापस नहीं आ गई। क्या है साहब? तकलीफ के लिए अब उन माफी मांगता है। पहले कुछ काम दीजिए फिर पैसा दीजिए ताकि कुछ खा सकूं। बहुत भूख लगेला है। तुम ऊपर कैसे आ गए? क्या नीचे को नहीं मिला? मिले साहब, बहुत लोग मिले नीचे जमीन पर, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पर।
लेकिन सब लोग एक ही बात बोलते थे कि काम ऊपर वाला देगा, इसलिए मैं ऊपर आ गया। सच बोलता हूँ साहब, भीख नहीं मांगता। अभी जाओ यहाँ से, काम वाम नहीं है। हाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्या जमाना आ गया साला, चैन से कोई मरने भी नहीं देता। अरे बाप रे, क्यों ना इस आदमी से स्विच ऑन करवा लूं। हाँ हाँ तुम। जी साहब। एक काम है, करेगा? हुकुम कीजिए साहब। फिर जल्दी से अंदर आ जा। लेकिन काम क्या है साहब? काम सिर्फ इतना है कि जब मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं तो तू ये स्विच ऑन करके फौरन बाहर चले जाना और दरवाजा बंद कर देना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। एक स्विच ऑन करने के 10 रुपए? चारों स्विच ऑन कर दूं सर 20 रुपए में, कंसेशन। ज्यादा नाटकबाजी नहीं, नहीं जो कहा गया वो करो। जी ये लो। अरे नहीं साहब, पहले काम फिर पैसा। लगता है बहुत ईमानदार आदमी हो। ठीक है, ये पैसा यहाँ रखा है। जी ओके, जब काम हो जाए तो उठा लेना। ठीक है, अब तुम स्विच ऑन कर दो। लेकिन साहब, ये स्विच ऑन कर दूंगा तो आप मर जाएंगे। हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें स्विच ऑन करने के लिए कहा था। है? यानी आप खुदकुशी करना चाहते हैं? नहीं, मुझे इस कुर्सी पर बैठकर अपने आप को करंट लगाकर झटके खाने का शौक है। हाँ मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके आगे तुम कुछ भी मत पूछना, समझे? यानी तुम मेरे हाथों मरना चाहते? हाँ। ये तो बड़ा डेंजर मामला है, 10 रुपए में नहीं होगा। तो फिर कितने में होगा? 500 रुपए में। ठीक है, बाद में ले लेना। बाद में किसे लूंगा, ये एडवांस बुकिंग का काम है, पहले पैसा फिर काम। ठीक है, मेरा पर्स वहाँ पड़ा है, जाके ले लो, उसमें कुछ ज्यादा ही होंगे। हाउ काइंड। वहाँ ये रहा, 1 2 3 4 5 100 ज्यादा है, ये वापस रखता हूँ। लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? ये मेरा जाती मामला है, इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी की मुझे कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो फूटो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे फूटू, आपसे एडवांस लिया है, अब तो ये काम होके ही रहेगा। देखिए, आप इस तरह मरना चाहते हैं ना जिससे देर भी ना लगे और आपको तकलीफ भी ना हो। हाँ कुछ ऐसा ही है। तो ये काम बड़ा टेढ़ा है। मान लो कि मैंने स्विच ऑन कर दिया और फिर भी आप ना मरे तो? तो, 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 तो तकलीफ होगी ना। हाँ, मतलब करंट लगने के बाद भी मैं बच सकता हूँ? फर्ज कर लो कि बच गए। आप तो जानते हैं बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना फ्लक्चुएट करता है। हाँ। कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ। मान लो कि आप मरे नहीं, लूले या लंगड़े होकर रह गए तो? अरे बाप रे बाप। हाँ। तुम्हारी बात तो ठीक है। हाँ। फिर किया क्या जाए? तो आप एक झटके में मरना चाहते हैं ना? हाँ। जिससे देर भी ना लगे। हाँ। और तकलीफ भी ना हो। हाँ। सही पकड़ा ना? हाँ। है? हाँ। है? हाँ। है? हाँ। हाँ। तो ये काम तो बड़ी सफाई से करता हूँ मैं। कैसा हो सकता है? हाँ। कि मुझे पता भी ना चले ना, मुझे तकलीफ भी ना हो ना, और मैं एकाएक मर जाऊँ। सच? लेकिन यहाँ नहीं, आज शाम को अंधेरा होने के बाद पुराने कब्रिस्तान पर आ जाइए, वहां आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मर जाएंगे। लेकिन एक बात है, अगर मैं मरने में आना कहीं करूँ ना तो तुम माइंड बिल्कुल मत करना। मेरे एक ना सुना है नहीं। मुझे मार ही डाल। अरे साहब, अपन जो काम हाथ में लिया ना उसको पूरा करके ही सांस लेता है क्या? ऐसा क्या? हाँ, ये अपना खानदानी आदत है, एक पैसा भी अपने लिए हराम है। अगर आपको अपन बराबर मार नहीं सका तो क्या? लेकिन साहब एक बात है, अगर बाद में पुलिस ने अपन को पकड़ लिया तो? हाँ। ये बात तो तुमने बिल्कुल। हाँ। 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 नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। देखो ये चिट्ठी है। हाँ। इसे तुम अपने पास रख। अच्छा, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ। तो ये चिट्ठी उनको दे देना, नहीं तो इस फ्लैट में आकर मेरी बीवी को दे देना। हाँ। यानी आपकी? हाँ। बीवी? हाँ, हाँ। भी है? हाँ। और मेरे मरने की खबर? हाँ। मेरी बीवी को जरूर मिलनी चाहिए, वरना मेरे मरने का फायदा क्या? सॉरी। और ये चिट्ठी मेरी बीवी को देना। हाँ। बिल्कुल मत भूलना। नहीं, और साहब आप भी आज शाम को अंधेरा होने के बाद कब्रिस्तान में आना, बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी किलिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।